गाइस आप सबको तो पता ही होगा ऑफलाइन गेम्स कितना इंपॉर्टेंट होता है। मानो आपका नेट या रिचार्ज खत्म हो गया, तब आप लोग क्या करोगे? आपके पास एक ही ऑप्शन होगा, ऑफलाइन गेम्स खेलना। जी गाइस, इसलिए आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ टॉप 5 बेस्ट ऑफलाइन गेम्स फॉर एंड्रॉइड इन 2022। इस वीडियो को आप एंड तक देख सकते हैं, आपको सारी गेम्स की डाउनलोडिंग मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। गाइस मैंने नोटिस किया कि आप में से काफी सारे लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे मत करो यार, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इन फ्यूचर आपको काफी ज्यादा मजेदार वीडियोस आपको देखने को मिलता रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे लिस्ट में नंबर 5 पर जो गेम आ रही है उसका नाम है गो टू स्ट्रीट 3। गाइस ये गेम बहुत दिन पहले रिलीज हो चुका है लेकिन गेम काफी तगड़ा होने वाला है। गेम के अंदर काफी अच्छा हाई क्वालिटी ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इस गेम में आप कार चला सकते हो, हेलीकॉप्टर चला सकते हो और भी काफी सारे व्हीकल्स आप चला सकते हो। काफी बढ़िया बढ़िया व्हीकल्स आपको देखने को मिल जाते हैं जिसे आप अपने हिसाब से जैसे चाहो वैसे कस्टमाइज कर सकते हो। एंड साथ के साथ यहाँ पर आपको जो कैरेक्टर मिलेगा उसे भी आप पूरी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। इस गेम में डे होता है, नाइट होता है, कभी कभार बारिश भी हो जाता है। एंड काफी सारे इंटरेस्टिंग मिशन आपको देखने को मिल जाएगा जिसे आप कंप्लीट भी कर सकते हैं। एंड काफी बड़ा सिटी आपको देखने को मिल जाएगा जिसे आप पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन होने वाले, बिल्कुल स्मूथ गेम प्ले आपको देखने को मिल जाता है, कोई भी लैग वगैरह नहीं करता है। बात करेंगे इस गेम की साइज के बारे में। गाइस इस गेम की साइज बहुत ही ज्यादा कम होने वाली है। जी गाइस इस गेम की साइज होने वाली है 85 MB। गेम तो काफी बढ़िया होने वाली है, आप भी इसे एक बार ट्राई कर सकते हैं। आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो हमारे लिस्ट में नंबर 4 पर जो गेम आ रही है उसका नाम है वाइल्ड रेसर। बेसिकली ये एक कार रेसिंग गेम यहाँ पर होने वाली है। इस गेम में आपको अल्ट्रा एचडी ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाता है एंड साथ के साथ इजी कंट्रोल्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जाता है। बेसिकली इस गेम में आप रेसिंग वगैरह कर सकते हो एंड आपको पॉइंट्स वगैरह कलेक्ट करके हाई स्कोर बनाना होता है। 15+ व्हीकल्स आपको देखने को मिल जाएगा जिसे आप पूरी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। अलग अलग मोड्स आपको देखने को मिल जाएगा जिसे आप खेल के इस गेम को एंजॉय कर सकते हैं। एंड काफी सारा लेवल्स आपको देखने को मिल जाएगा जिसे आप कंप्लीट भी कर सकते हैं। मिनी कूपर से लेकर लैम्बोर्गिनी तक आपको बहुत सारे व्हीकल्स आपको देखने को मिल जाते हैं एंड उसे आप पूरी तरीके से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन होने वाले, बात करेंगे इस गेम की साइज के बारे में। गाइस इस गेम की साइज होने वाली है 380 MB। तो ओवरऑल गेम तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा एंड आप भी इसे एक बार ट्राई कर सकते हैं। आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो हमारे लिस्ट में नंबर 3 पर जो गेम आ रही है उसका नाम है ट्रकर्स ऑफ यूरोप 3। इस गेम को कौन नहीं जानता यार। गाइस अगर आप एक हाई ग्राफिक्स वाला गेम खेलना चाहते हो, वो भी ट्रक सिमुलेटर का, तो आप इस गेम को एक बार ट्राई कर सकते हैं। ये जो गेम है ये पूरी तरीके से ऑफलाइन होने वाले। इस गेम में आपको एक बहुत ही बड़ा ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिल जाएगा एंड इस गेम में आप जॉब्स वगैरह भी कर सकते हो, यानी कि चीजों को आपको एक जगह से दूसरी जगह आपको ट्रांसफर करना पड़ता है। अलग अलग सिटी आपको देखने को मिल जाएगा एंड डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन आपको देखने को मिल जाता है जिसे आप पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। बात करेंगे इस गेम की ग्राफिक्स के बारे में। गाइस इस गेम का ग्राफिक्स मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जी गाइस इस गेम में आपको अल्ट्रा एचडी ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाता है। ये गेम 2 GB रैम वाले फोन पे थोड़ा सा लैग वगैरह कर सकता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास 3 या 4 GB रैम का फोन हो तो आप इस गेम को आराम से खेल सकते हैं। गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन होने वाले, बात करेंगे इस गेम की साइज के बारे में। गाइस इस गेम की साइज होने वाली 250 MB। तो बस एक बार डाउनलोड करके जितना चाहो उतना खेल सकते हो। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो हमारे लिस्ट में नंबर 2 पर जो गेम आ रही है उसका नाम है गो टू कार्ड्रेव 3। अगर आपको एक ओपन वर्ल्ड गेम खेलना अच्छा लगता है, वो भी हाई ग्राफिक्स वाला, तो ये गेम आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। जी गाइस इस गेम में एक बहुत ही बड़ा ओपन वर्ल्ड मैप आपको देखने को मिल जाता है जहाँ पर आप ड्रोन से उड़ भी सकते हो एंड आप स्विमिंग वगैरह भी कर सकते हो एंड रोड पे जाके व्हीकल्स वगैरह भी चला सकते हो। गाइस इस गेम को आप एक बार ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो कैरेक्टर मिलेगा उसे भी आप पूरी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं एंड काफी सारे इंटरेस्टिंग मिशन आपको देखने को मिल जाएगा जिसे आप कंप्लीट करके इस गेम को एंजॉय कर सकते हो। इस गेम की खास बात ये है कि ये गेम एक लो एंड के ऊपर भी काफी अच्छी तरीके से चलता है। अगर आपके पास 1 GB या 2 GB रैम का भी फोन हुआ तो आप इस गेम को आराम से डाउनलोड करके खेल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड इस गेम का जो साइज है वो बहुत ही ज्यादा कम होने वाली है। जी गाइस इस गेम की साइज होने वाली है 133 MB। गेम तो काफी तगड़ा होने वाला है, आप भी इसे एक बार ट्राई कर सकते हैं। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो फाइनली नंबर 1 पर जो गेम आ रही है उसका नाम है राफ्ट सर्वाइवल। गाइस इस गेम के बारे में कौन नहीं जानता यार। अगर आपको एक हाई ग्राफिक्स वाला सर्वाइवल गेम खेलना अच्छा लगता है तो इस गेम को आप एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। एंड गेम की जो ग्राफिक्स है वो काफी शानदार देखने को मिलता है, मतलब रियलिस्टिक ग्राफिक्स यहाँ पर आप बोल सकते हो। बेसिकली ये एक सर्वाइवल गेम होने वाली है। यहाँ पर आप फिशिंग वगैरह भी कर सकते हो एंड खुद के लिए घर वगैरह भी बना सकते हो एंड वुड वगैरह कलेक्ट करके यहाँ पर अपने लिए शेल्टर वगैरह बना सकते हो। बेसिकली आप एक आइलैंड पर हो एंड गाइस इस आइलैंड के अंदर कोई भी बंदा यहाँ पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप ही यहाँ पर हो एंड आपको यहाँ पर
सर्वाइव करना होता है। तो ऐसा कुछ गेम की कॉन्सेप्ट यहाँ पर होने वाली है। 100+ वेपन्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो ये चीज मुझे काफी बढ़िया लगा। एंड इस गेम को आप ऑफलाइन पे भी खेल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बात करेंगे इस गेम की साइज के बारे में। गाइस, इस गेम की साइज होने वाली है 114 MB। काफी बढ़िया गेम होने वाली है, चाहो तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। इन 500 गेम में से आपको कौन सा गेम पसंद आया आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और इस वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिन्हें ऑफलाइन गेम्स अच्छे लगते हैं। और अगले वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस, चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।